नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, मैं इस बार एक बहुत ही बढ़िया एक्टिव एम्पलीफायर लेके आया हूँ आपके स्पीकर्स को एक्टिव बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा सा एम्पलीफायर है फ्रेंड्स। ये 800 वॉट का RMS पावर देता है, जिसमें आप 15 इंच के दो वूफर्स बड़े आराम से चला सकते हैं। तो आपको मैं एक गो थ्रू दूंगा। इसको आप डायरेक्ट बॉक्स में लगा सकते हैं और आपका एक एक्टिव स्पीकर तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आइए, मैं आपको पहले तो दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या बटन्स दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इसमें बेसिकली आप माइक इन कर सकते हैं, जिसमें माइक की वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप म्यूजिक इन दे सकते हैं XLR पोर्ट से, और साथ में ये RCA पोर्ट से भी दे सकते हैं फ्रेंड्स, पर इससे सजेस्टेड नहीं है। ऑडियो क्वालिटी इससे बहुत बेटर आती है। और ये जो है फ्रेंड्स, इसका लिंक है, मीन्स यहाँ का इनपुट यहाँ से आउटपुट में निकल जाता है। अगर आपको कोई चीज इन दी है और फर्दर सीरीज में लगानी है, तो आप यहाँ से आउट ले सकते हैं। फिर आप म्यूजिक वॉल्यूम, म्यूजिक में फिर हाईज, मिड्स और बेस को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपके नॉब्स इन्होंने दिए हुए हैं। साथ में यहाँ पे कूलिंग फैन है फ्रेंड्स, और ये पावर का बटन है, और ये पावर का जैक है। तो आपने देख लिया फ्रेंड्स, ये फ्रंट साइड है इसका। बहुत ही बढ़िया ये एम्पलीफायर है, और एक इंजीनियरिंग मार्वल है फ्रेंड्स कि 800 वाट RMS देने के लिए जो कुछ भी इसमें चाहिए, ओवरलोड प्रोटेक्शन इसमें है, ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन इसमें है। सो एक कंप्लीट स्टेबल बोर्ड ये है। ये इसका प्रीएम्प सेक्शन है, और ये ऑपम्स लगे हुए हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें इंडक्टर्स हैं। ये AC का सेगमेंट है, ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये टोटल AC का सेगमेंट है, जिसमें ये बेसिकली एज अ SMPS काम करता है। और ये जो दूसरा सेगमेंट है, ये बेसिकली एक क्लास डी का डिस्क्रीट एम्पलीफायर है। आप देख सकते हैं इसके नीचे MOSFETs लगे हुए हैं। MOSFETs के लिए ये हीट सिंक है फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया हीट सिंक, बहुत स्टर्डी इसका डिज़ाइन है, बहुत स्टेबल इसकी क्वालिटी है, और मैंने कई प्रोजेक्ट्स में इसको लगाया हुआ है। इवन मैं अभी आपको अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसमें दिखाऊंगा भी एक प्रोजेक्ट में इसको लगा करके। तो बहुत आराम से 15 इंच के दो ड्राइवर्स चला देता है 4 ओम पे फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, 8 ओम के दो ड्राइवर लेते हैं और उनको सीरीज में लगा देते हैं, तो 4 ओम मिलता है हमें। तो वो 4 ओम से चलाने के लिए और एक एक्टिव एम्पलीफायर बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है। इससे आप मल्टीपल बोर्ड्स, मतलब अगर आपको 5-6-7 बॉक्सेस बनाने हैं, आप बना सकते हैं। आप चाहें तो DSP के थ्रू उसको चला सकते हैं, चाहें तो लिंक के थ्रू भी चला सकते हैं। मेरे पास DSP भी है, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, तो आपको मैं उसकी वीडियो दिखाऊंगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा बोर्ड है। इस पोटेंशियोमीटर को फ्रेंड्स अगर आप मेरे से लेंगे तो प्लीज मत छेड़िएगा। ये DC ऑफसेट का पोटेंशियोमीटर है, ये बिल्कुल भी छेड़ने वाली चीज नहीं है, नहीं तो ये एम्पलीफायर मेलफंक्शन करेगा। सो एक अच्छा एम्पलीफायर मेरे पास था फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं कि डायरेक्ट कनेक्शन बहुत ही आसान है। इसको स्पीकर में दे देना है, यहां से पावर दे देनी है, और ऑडियो इन एंड दैट्स इट। और सॉफ्ट स्टार्ट भी है फ्रेंड्स, तो ये एक और बहुत बड़ी एडवांटेज है इसके साथ। तो कैसा लगा फ्रेंड्स मेरे को बताइएगा। एक यूनिक चीज है, एक यूनिक प्रोडक्ट है, और जिस प्राइस पॉइंट पे है फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और मिलेगा, क्योंकि एक्टिव एम्पलीफायर्स बेसिकली अगर एक एक्टिव स्पीकर की बात करें तो बहुत महंगे होते हैं, और उसमें पूरा रोल इन्हीं का होता है। तो एक स्टेबल बोर्ड मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसी में मेरे पास एक बोर्ड और है फ्रेंड्स, जो कि सबवूफर का है। तो वहां पे आपको ये पैनल थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, वहां पे सिर्फ सबवूफर है, तो सबवूफर की फ्रीक्वेंसी का नॉब है, और साथ साथ उसकी वॉल्यूम का नॉब है, और बाकी ये मिड्स और ट्रेबल उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी पूरा बोर्ड सेम है। तो वो सिर्फ सबवूफर बनाने के लिए है, और ये पूरा एक एक्टिव मींस फुल फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए। तो दैट्स इट फॉर दिस टाइम फ्रेंड्स, अगली बार मैं कुछ और लेकर के मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।